इस लाल बटन को दबा के हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आगे भी हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो दोस्तों, भोजपुरी राजमे का फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ दोस्तों आपको इस खबर की पुष्टि खेसारी लाल ने खुद लाइव आके की है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, खेसारी लाल को चाहने वाले तमाम दर्शकों के लिए एक बुरी खबर है कि उनकी नई आने वाली फिल्म कुली नंबर वन भोरी पर रिलीज नहीं होगी। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, इस खबर की पुष्टि खेसारी लाल ने कर दी है। जहाँ दोस्तों आपको इससे पहले खबर थी कि फिल्म कुली नंबर वन होली के शुभ अवसर पर रिलीज की जाएगी, मगर दोस्तों अब ये फिल्म होली पर नहीं बल्कि होली के एक दो हफ्ते बाद रिलीज की जाएगी। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है सेंसर बोर्ड में लगे टाइम को। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, सेंसर बोर्ड से पास कराने में फिल्म कुली को काफ़ी टाइम लग गया। तो वहीं आपको बता दें, फिल्म कुली नंबर वन का कुछ काम बाकी था जिसमें काफ़ी समय लग गया और अब ये फिल्म होली पर रिलीज़ नहीं की जा रही। तो दोस्तों आपको बता दें, भोजपुरी फैंस और खेसारी लाल के फैन के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि आप उनको होली पे कुली नंबर वन देखने को नहीं मिलेगा। तो वही दोस्तों आपको बता दें, भोजपुरी इंडस्ट्री और खेसारी लाल के लिए एक बड़ी बात है कि उनकी फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला। जहाँ तो आपको बता दें, यू सर्टिफिकेट भोजपुरी किसी भी फिल्म को नहीं दिया जाता। जहाँ तो आपको बता दें, अधिकतर फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट दिया जाता है क्योंकि उसमें अश्लीलता, डबल मीनिंग बातें और हिंसक प्रदर्शन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। मगर दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में पहला मौका है कि किसी फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला है। जहाँ तो आपको बता दें, खेसारी लाल के फिल्म कुली नंबर वन को यू सर्टिफिकेट मिला, जिसका मतलब होता है कि इसे 18 साल से कम उम्र के लोग भी इस फिल्म को देख सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टार के बीच घमासान होते होते रह गया। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, भोजपुरी दर्शक काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि इन दोनों बड़े सुपरस्टार की फिल्म एक ही दिन रिलीज होगी। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, यह टक्कर थी भोजपुरी के पावर एक्टर पवन सिंह की फिल्म क्रिक फाइटर और दबंग सुपरस्टार खेसारी की फिल्म कुली नंबर वन। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अब यह फिल्म के बीच टक्कर देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, क्रिक फाइटर होली पर रिलीज हो रही, तो वहीं दोस्तों अब कुली नंबर वन होली के एक दो हफ्ते बाद रिलीज की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार होली पर भोजपुरी का जुबली सुपरस्टार निरहुआ के शेर हिंदुस्तानी के साथ पावर एक्टर पवन सिंह की फिल्म क्रिक फाइटर के बीच टक्कर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल ने क्यों अपनी फिल्म को रिलीज़ नहीं किया? तो दोस्तों आप ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को प्लीज़ जरूर शेयर किया कीजिए। धन्यवाद।